हेलो नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इंस्टीट्यूट वुगली क्लासेस में, द वर्ल्ड क्लास लाइव एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हर हर वुगली, घर घर वुगली। पिंसी, शिवानी, प्रमोद, लिंकन, आकांक्षा, रोहाना, यस, गुड इवनिंग यू ऑल। बेटा माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? एक बार मुझे बताइएगा। यस, गुड इवनिंग सिया, जोगल, लिंकन, डांस इंडिया, रूहाना, थैंक यू रूहाना। देखिए मेरे बच्चों, गैस्ट्रोलॉजी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और वन बाय वन करके हम पूरा नर्सिंग प्रिपेयर करेंगे। हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है सुपर लेक्चर सीरीज के अंदर, तो इसका एंड क्या होगा आई डोंट नो, बट शुरुआत जो है मेरे बच्चों वो बहुत गजब का है। और डे बाय डे मेरा प्रयास यही है मेरे बच्चों कि जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, वुगली को फॉलो करते हैं, उन लोगों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, उन लोगों को वाकई नॉलेज का टेस्ट करवाना है कि पढ़ाई कैसे की जाती है। The way to learn how to learn the nursing. This is the way how to learn your classes. मेरे बच्चों, you should know about this कि you have a great brain, you have a mind-blowing brain, but the need is that only to create concepts in your brain. Provides you the simple and effective methods of learning, मेरे बच्चों, और इन्हीं के माध्यम से मैं आप सब वुगली के सुपर हीरोज जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सबको प्रिपेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेरे बच्चों, जल्दी से आप सारे इंस्ट्रक्शन सुन लीजिएगा आज के, कि आज हमारा 18th क्लास है, कल 19th होगा, और 19 तक के क्लासेस में से आपको संडे को मेजर टेस्ट है। सुबह 10 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट अपलोड हो चुका है वूगली ऐप के अंदर। गैस्ट्रोलॉजी का टेस्ट है, मेजर टेस्ट होगा, 1 से और 19 तक के लेक्चर उसके अंदर आना है। तो टेस्ट में चेक कर लेना अपने आप को कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कितना आपके अंदर भेजे में घुस रहा है। क्लियर है मेरे बच्चों? हर कोई स्टूडेंट जो भी मेरे साथ पढ़ाई कर रहा है उसका रिजल्ट शानदार होना चाहिए, बस यही एक हमारा एम होना चाहिए। तो चलिएगा मेरे बच्चों, आज के सुपर सेशन की शुरुआत करते हैं। और वही बात जो मैं हमेशा से आपसे कहता आया हूं कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी नम पंच लक्षणम। और मेरे बच्चों, मुझे पता है कि आप ये बात रोज सुनकर के एडिक्ट जरूर हो गए होंगे, लेकिन मुझे ये भी पूर्ण भरोसा है कि अगर मैं रोज आपको सुनाऊंगा तो एक ना एक दिन तो आप लोगों को मजबूर कर ही दूंगा कि मेरी बात को समझना पड़ेगा और मजबूर होकर अपनाना पड़ेगा। मेरे बच्चों, यदि आप ये पांचों गुण अपने अंदर डेवलप कर लेते हो तो कोई भी माइका लाल आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने से रोक नहीं सकता। और नर्सिंग ऑफिसर ही क्या, इसके बाद भी अगर कुछ सोचा हुआ है तो बन जाओगे मेरे बच्चों। आज के इस सेशन के अंदर कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन पूछा था आपसे, और बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहा है ये स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि मेरे बच्चों 90%, लगभग 85% लोगों ने इसका आंसर ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और क्वेश्चन क्या था? द जेनेटिक एक्सचेंज प्रोसेस इन विच डोनर डीएनए इज इंट्रोड्यूस टू द रेसिपिएंट बाय अ वायरस। मेरे बच्चों, जेनेटिक प्रोसेस का वो माध्यम जिसके माध्यम से डोनर के डीएनए को एक वायरस के थ्रू रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन थे। क्या इसे ट्रांसफेक्शन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं, या ट्रांसडक्शन कहते हैं? क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो आप आंसर पुट करिएगा कि ये जो प्रोसेस होती है जेनेटिक्स का है, इसे क्या कहा जाता है? पुष्पा, मेरे गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मेरे बच्चों। और याद रखना 85% लोगों ने इसका आंसर गलत किया था मेरे बच्चों, और सही आंसर क्या होता है? ट्रांसडक्शन क्या होता है मेरे बच्चों, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। कुछ बातें करता हूं डिटेल में, ध्यान से सुनना बेटा। क्या होता है, जेनेटिक एक्सचेंज अमंग द बैक्टीरिया अकर्स बाय सेवरल मैकेनिज्म्स। पहला मैकेनिज्म ट्रांसफॉर्मेशन, द रेसिपिएंट बैक्टीरियम टेक्स अप द एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोनर डीएनए। मेरे बच्चों यदि रेसिपिएंट का बैक्टीरियम जो है ये क्या कर ले, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोनर के डीएनए को ले ले अगर, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा होता है ट्रांसडक्शन, डोनर डीएनए पैक्ड इन अ बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट्स। डोनर के डीएनए को बैक्टीरियोफेज के अंदर, बैक्टीरियोफेज बोले तो बैक्टीरिया या वायरस, इसके अंदर रख करके और इन्फेक्ट द रेसिपिएंट बैक्टीरियम, और ये बैक्टीरियम रेसिपिएंट की बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है। तो ऐसे प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहते हैं, जो हमसे पूछा गया था। क्लियर हो गया है मेरे बच्चों। अगली बात करता हूं, आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स प्लान टू गिव द क्लाइंट व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग द निस्टैटिन। माइकोस्टैटिन भी कहते हैं दोस्तों इसे, निस्टैटिन जो ब्रांड नेम होता है इसका वो क्या है, माइकोस्टैटिन ओरल सस्पेंशन। तो याद रखना मेरे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किसी क्लाइंट को आप निस्टैटिन दे रहे होंगे या फिर माइकोस्टैटिन अगर किसी क्लाइंट को आपने प्रेस्क्राइब किया है, तो आप उसको कौन सा इंस्ट्रक्शन देंगे। पहला ऑप्शन आपके पास है कि ड्रिंक द मेडिकेशन थ्रू एस्ट्रो, इस दवा को स्ट्रॉ की मदद से लेना है। दूसरा ऑप्शन, डाइल्यूट द मेडिकेशन विद कोल्ड वाटर, इसको कोल्ड वाटर में घोल के डाइल्यूट करके फिर यूज करना है। या स्विश द ड्रग विद इन द माउथ एंड देन स्वेलो इट। ब्रश द टीथ आफ्टर यूजिंग द मेडिकेशन। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन जो है ना बहुत एक्सीलेंट है और काफी एडवांस क्वेश्चन है, लगाओ इस पे, वेरी इंपॉर्टेंट। और अब इंतजार है मुझे आपके आंसर का, देखते हैं किसमें है कितना दम और कौन इसका सही आंसर दे पाता है। भैया क्लास को लाइक कर दीजिएगा, 79 लोग ऑनलाइन हैं और लाइक्स ओनली मुझे 43 करते हैं। मैं जानता हूं आप मुझे लाइक नहीं करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मेहनत को तो लाइक करते होंगे। मुझे लाइक नहीं करते हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मेहनत को तो लाइक करते होंगे मेरे बच्चों। मैं तो अपनी मेहनत के लिए आपसे कह रहा हूं कि मेरी मेहनत को लाइक कर दीजिएगा, ताकि YouTube पर मेरा भी सम्मान जो है वो बना रहे मेरे बच्चों। मेरी भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, मेरा भी सम्मान है, और उसकी जिम्मेदारी आपके हाथों में। मैं आपको पढ़ा सकता हूं मेरे बच्चों, आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट, बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट्स, काफी सिंपल से सिंपल। और मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे बच्चों कि इस वूगली चैनल पर जिस पर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी लेक्चर, आज 600 की करीब क्लासेस है, कोई भी लेक्चर आप उठा करके देख लेना। अगर एक भी लेक्चर आपको ऐसा लग जाए कि सर इस लेक्चर में मजा नहीं आया, तो मेरे बच्चों ये पेन रख दूंगा साइड में, जिंदगी भर नहीं पढ़ाऊंगा। एक भी लेक्चर अगर फाइंड आउट हो जाए ऐसा हल्का, मेरे बच्चों हर लेक्चर में जान झोंक रखिए, हर लेक्चर में जान झोंक रखिए। या तो लेक्चर लिया नहीं, और अगर लेक्चर लिया है तो पूरे दिल से लिया है मेरे बच्चों, दिल और दिमाग से लिया है, पूरी मेहनत से लिया है। और आज आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे बच्चों पूरे दिल से, पूरे इमोशंस के साथ पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं मेरे वूगली के छात्रों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चों वूगली आपकी शान है, वूगली आपकी जान है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि यदि किसी क्लाइंट को अगर आपने निस्टैटिन दिया है, एडमिनिस्टर किया है, तो उस पेशेंट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन होना चाहिए मेरे बच्चों। सबसे पहले तो आपको समझना होगा, यस रोहाना थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, आकांक्षा थैंक यू, अशोक थैंक यू बेटा। समझिएगा मेरे बच्चों, याद रखना निस्टैटिन क्या है, सबसे पहले इसके बारे में समझिएगा आप। क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है। निस्टैटिन होता है मेरे बच्चों एंटी फंगल, कौन सा दवा होता है ये, एंटी फंगल दवा होता है और इस दवा को जो दिया जाता है वो किस पर्पज से देते हैं मेरे बच्चों, इस दवा को दिया जाता है ओरल थ्रश वाले व्यक्ति को। ओरल थ्रश आपने सुना होगा, इसका नाम होता है कैंडिडाइसिस। क्या नाम होता है मेरे बच्चों, कैंडिडाइसिस। अंडरस्टैंड, कैंडिडाइसिस यानी कि ओरल थ्रश जो म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन का इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन, उसके लिए हम निस्टेटिन प्रेस्क्राइब करते हैं। और जब ओरल थ्रस्ट के लिए इसे प्रेस्क्राइब किया जाता है मेरे बच्चों तो यू नो दैट, आप समझते हैं कि ये दवा जो है ओरल थ्रस्ट के लिए दिया जा रहा है, तो माउथ के अंदर रुकना चाहिए, होल्ड होना चाहिए, ताकि माउथ में जो ओरल थ्रस्ट बन रहे हैं उनको ये क्योर कर सके। तो देखिएगा यहां पर ड्रिंक द मेडिकेशन थ्रू अ स्ट्रो, अगर स्ट्रो की मदद से इसे ड्रिंक कर लिया जाएगा तो ये माउथ में जो कर्डी वाइट कलर के जो पैचेस बने हुए हैं उन पर असर नहीं करेगा, क्योंकि उनके कांटेक्ट में ही नहीं आ पाएगा। तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा मेरे बच्चों। डाइल्यूट द मेडिकेशन विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में डाइल्यूट करने का कोई भी औचित्य नहीं होता है मेरे बच्चों। स्विश द ड्रग विद इन द माउथ एंड देन स्वलो इट। सबसे पहले मेरे बच्चों इस दवा को, निस्टेटिन को सही एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका ये होता है कि इसको माउथ में आप डाल लें, स्विश कर लें और उसके बाद इसको माउथ में ही रहने दें। और जब ये पूरा बढ़िया लिक्विड बन जाए सलाइवा के साथ मिक्स होकर के, ओरल थ्रस्ट में जितने भी थ्रस्ट बने हुए हैं सब पर ये मिक्स हो जाए, लग जाए, तब इसको हम पेशेंट को बोलेंगे कि निगल सकते हो। क्लियर है? क्योंकि याद रखना मेरे बच्चों, इसका जो इफेक्ट आएगा वो कहाँ आएगा, ओरल कैविटी के अंदर ही इसका इफेक्ट आता है, माउथ में ही इसका इफेक्ट आता है। तो मेरे स्टूडेंट्स याद रखिएगा बच्चों, जब भी कभी निस्टेटिन किसी को दिया जाए तो ये एक एंटी फंगल होता है। इस दवा को कैंडिडाइसिस या ओरल थ्रश वाले पेशेंट्स के लिए देते हैं और माउथ में इसको स्विश करके रख लिया जाता है और फिर पेशेंट को स्वैलो नहीं करने दें और पेशेंट को माउथ में ही रखना है। जब ये पूरे ओरल थ्रस्ट के जितने भी पैचेस हैं उन पर अपना इफेक्ट कर ले, उसके बाद इसको स्वैलो किया जाता है। कोल्ड वाटर में मिक्स करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रो से नहीं लेना है। और ब्रश द टीथ आफ्टर यूजिंग द मेडिकेशन, मेरे बच्चों जब मेडिकेशन को यूज कर ले उसके बाद ब्रश करने के लिए बिल्कुल भी सलाह नहीं देना है, यानी ब्रश नहीं करना है मेरे बच्चों, वरना अगर पेशेंट ब्रश करेगा तो जितनी दवा माउथ के अंदर लगी थी वो सारी पूरी दवा यहाँ से रिमूव हो जाएगी, मेडिसिन का इफेक्ट नहीं आएगा। तो ब्रश भी नहीं करने देना है। ब्रश करने की सलाह तो हम उन क्लाइंट्स को देते हैं जिनको हम लिक्विड आयरन देते हैं। तो लिक्विड आयरन वाले क्लाइंट्स को दवा एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद हम ब्रश करने की सलाह देते हैं। मेरे बच्चों स्ट्रो की मदद से भी लिक्विड आयरन को ही लिया जाता है, यू नो दैट, अंडरस्टैंड। और ये कोल्ड वाटर की जगह फ्रूट जूस में मिला करके, तो आयरन के रेफरेंस में है दो ऑप्शन, स्ट्रो की मदद से लेना और एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ब्रश करना। तो ये किसके लिए सही है मेरे बच्चों, आयरन के लिए। लेकिन निस्टेटिन एक ऐसा ही तरह का दवा होता है जिसको माउथ में हम क्या करते हैं, स्विश करके और रखते हैं और फिर उसके बाद स्वैलो करते हैं। इसको कैंडिडाइसिस, एंटी फंगल यानी फंगल इन्फेक्शंस में देते हैं, ओरल थ्रस्ट के लिए दिया जाता है। क्या मेरे बच्चों बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है? अब कभी गलत नहीं होना चाहिए जब भी कभी आप एग्जाम में बैठेंगे। तो आज तक आपको आता था या नहीं आता था, डजेंट मैटर, लेकिन वूगली की क्लासेस पढ़ने के बाद मेरे बच्चों आपका लेवल नेक्स्ट लेवल पे जाना ही चाहिए, दिस इज कंपल्सरी मेरे बच्चों। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर होगा सी ऑप्शन। क्रिस्टल क्लियर हो गया है। क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों 7 स्टार क्वेश्चन है, नोट्स कॉपी के अंदर आप इसे मेंटेन कर लीजिएगा। अगला सवाल पूछता हूं मेरे बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विच स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिपरेशन नेसेसरी फॉर द ईसोफेजोस्कोपी। मेरे बच्चों एक पेशेंट का हमें ईसोफेजोस्कोपी करना है। समझिएगा क्वेश्चन को, गैस्ट्रोलॉजी के अंदर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसेस बेटा सुन रहे हो ना, आकांक्षा, सेजल, पुष्पा और राकेश, मेरे बच्चों, जब भी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स हम करते हैं और ईसोफेगस को हम विजुअलाइज करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ईसोफेजोस्कोपी इस पेशेंट का करेंगे। और ईसोफेजोस्कोपी करना है तो इस पेशेंट की प्रिपरेशन से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या आई नीड टू ईट अ लाइट ब्रेकफास्ट बिफोर द एग्जामिनेशन? ऐसा। I should consume a low residue diet until the test has been completed. I need to avoid the food and fluids after midnight before the test. या फिर I have to drink a quart of liquid before arriving for the test. मेरे बच्चों, 4 ऑप्शन you have और इसोफेजोस्कोपी का पेशेंट है। इसोफेजो का एंडोस्कोपिक प्रोसीजर हम करना चाहते हैं और क्लाइंट प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको ऑप्शन फाइंड आउट करना है। जब भी कभी मेरे बच्चों समझिएगा बात को, विशेष बातें क्या ध्यान देना है कि जब कभी भी आपको ईसोफेजोस्कोपी का क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना मेरे बच्चों, सबसे पहला इसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है बेटा एनपीओ। क्या करना है तो देखिए ध्यान से समझना, ईसोफेजोस्कोपी का यदि क्वेश्चन आपके पास आता है मेरे बच्चों तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन होता है मेरे बच्चों पेशेंट प्रिपरेशन का, और मुख्य रूप से पेशेंट प्रिपरेशन होता है एनपीओ। और एनपीओ क्या होता है मेरे बच्चों, तो पेशेंट को मिडनाइट से ही, यानी कि मिडनाइट के बाद से ही पेशेंट को हमें एनपीओ करना होता है। तो पहला क्वेश्चन सबको आ गया है मेरे बच्चों कि एक पेशेंट का ईसोफेजोस्कोपी कर रहे हो आप, तो पहला क्वेश्चन कहां से पुटअप होता है, स्टार मार्क करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी आस्क इन योर एग्जाम फ्रॉम द एनपीओ, यानी पेशेंट प्रिपरेशन, एंड इट विल स्टार्टेड आफ्टर द मिडनाइट। यू नीड टू रेस्ट्रिक्ट द फूड एंड रेस्ट्रिक्ट द फ्लूइड फॉर द पेशेंट, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंडोस्कोपी फ्रॉम द मिडनाइट। दूसरा होता है मेरे बच्चों आफ्टर प्रोसीजर। आपको ध्यान रखना है आफ्टर प्रोसीजर एक एनपीओ क्यों किया जाता है, इस बात को समझ लीजिएगा। क्या कारण होता है कि हम एनपीओ करते हैं? एनीवन कैन टेल मी व्हाई वी नीड टू डू द एनपीओ टू द पेशेंट फॉर द ईसोफेजोस्कोपी? कैन एनीवन टेल मी द रीजन फॉर दिस एनपीओ? माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज ईसोफेजोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप को इंसर्ट करेंगे, यानी फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप जब इंसर्ट किया जाएगा तो इट विल इरिटेट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, और गैस्ट्रिक म्यूकोसा को यदि इरिटेट करेगा तो पेशेंट हैव द मोर प्रोबेबिलिटी फॉर द वॉमिटिंग। पेशेंट को वॉमिटिंग आने की संभावना रहेगी, और वॉमिटिंग यदि आने की पॉसिबिलिटी रहेगी तो दे हैव ऑल्सो द चांस फॉर द एस्पिरेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड ना मेरे बच्चों, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इज वेरी वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड। क्लास को जिसने लाइक नहीं कर रखा है, 115 स्टूडेंट आर लर्निंग विद मी लाइव क्लास। माय डियर स्टूडेंट, योर मॉरल ड्यूटी इज टू लाइक दिस लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डू द एनपीओ टू आवर पेशेंट व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द ईसोफेजोस्कोपी, बिकॉज व्हाई? Because esophagoscope is a fiber optic cable and it will be passes from the mouth to the esophagus. Dear student, when we passes this endoscope through the esophagus, it will irritate the gastric mucosa, and if you do not done the patient NPO, then what will happen? So in this case, अगर आपने NPO नहीं किया तो what will happen? It will irritate to the gastric mucosa, और gastric mucosa irritate होगा मेरे बच्चों तो it will inducing the vomiting sensations, और it will induces the vomiting, और vomiting can aspirate into the respiratory tract. To avoid the possibility of the aspiration की possibility को avoid करने के लिए we need to do the NPO to our patient from the midnight. आपको पूरा कॉन्सेप्ट लर्न हो चुका है मेरे बच्चों कि भैया एनपीओ क्यों किया जाएगा, क्या रीजन है कि वी नीड टू डू द एनपीओ टू द पेशेंट। मेरे बच्चों, जब दूसरी बात करता हूं तो फाइबर ऑप्टिक केबल यानी एंडोस्कोप जब आप ईसोफेगस से पास करेंगे तो इट कैन डैमेजेस टू द ईसोफेगस एंड patient can't be tolerate this outer equipment to insert into the GIT. So we need to administer the anesthesia of the upper GIT. अपर जीआईटी का एनेस्थेसिया आपको करना पड़ेगा दोस्तों, और गार्गलिंग फॉर्म में आप इस एनेस्थेसिया को प्रेफर करते हैं या फिर स्प्रे की फॉर्म में आप इसे प्रेफर करते हैं। तो जैसे ही एनेस्थेटाइज करेंगे, गार्गलिंग या स्प्रे करेंगे मेरे बच्चों, तो क्या हो जाएगा पेशेंट को? लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्सेस, गैग रिफ्लेक्सेस का लॉस हो जाएगा, गैग रिफ्लेक्सेस स्टॉप हो जाएंगे मेरे बच्चों, तब ही जाकर ये इस फाइबर ऑप्टिक केबल को अंदर इंसर्ट करने देगा। तो आपकी मॉरल ड्यूटी क्या बनती है मेरे बच्चों? आफ्टर प्रोसीजर यू नीड टू वेट फॉर द रिटर्निंग ऑफ द गैग रिफ्लेक्सेस। जब भी कभी प्रोसीजर पूरा हो जाएगा तो यू नीड टू वेट फॉर रिटर्निंग ऑफ द गैग रिफ्लेक्सेस। मेरे बच्चों गैग रिफ्लेक्सेस जब तक रिटर्न ना हो तब तक यू नीड टू अवॉइड द फूड एंड फ्लूइड फ्रॉम द माउथ। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होता है मेरे बच्चों? व्हाट इज द राइट नर्सिंग प्रैक्टिस आफ्टर द इसोफेजोस्कोपी? तो यू नीड टू ऑब्जर्व फॉर द रिटर्निंग ऑफ द गैग रिफ्लेक्सेस। क्रिस्टल क्लियर हो गया है मेरे बच्चों? सारे क्वेश्चंस दैट आर द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अबाउट द इसोफेजोस्कोपी। अंडरस्टैंड? यहां तक क्लियर है सब कुछ? आई एम जस्ट मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिम्टम वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू द क्लाइंट चीफ कंप्लेन विद द GERD? डियर स्टूडेंट, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का सिम्टम आपको आइडेंटिफाई करना है। वॉमिटिंग है, नॉसिया है, एनोरेक्सिया है या हार्ट बर्न? What is the clinical feature of the patient with the gastroesophageal reflux disease? And very good, शाबाश, dear student, gastroesophageal reflux disease क्या होता है? Keep concentration here. Stomach contents का esophagus के through backflow होना, they are the highly acidic और this is the cardiac area. And जैसे ही मेरे बच्चों gastric एसिडिक कंटेंट बैकफ्लो करके इसोफेगस में जाता है, तो इसोफेगस में जाते ही और इट विल डैमेजेस टू द, व्हाट विल हैपन? डैमेजेस टू द इसोफेजियल म्यूकोसा। माय डियर स्टूडेंट, व्हाट विल हैपन इफ द गैस्ट्रिक कंटेंट्स दैट इज वेरी हाईली एसिडिक इफ डू द बैकफ्लो फ्रॉम द कार्डियक स्फेक्टर and just do the backflow in the esophagus, it will damages to the esophageal mucosa and resulting in the client have the intolerable pain in the heart location, cardiac location, and so this condition is known as the heartburn. क्या बोला जाएगा मेरे बच्चों? ऐसी क्लिनिकल फीचर को we know that this is the heartburn. So D option is the right answer in this client. Next question. Until a physician can see the client, which suggestion should the nurse offer to provide some relief from the symptoms of the GERD? Guys, I am asking you one question. क्या पूछ रहा हूं कि जब तक physician नहीं आ जाता है तब तक which of the following instruction given by a nursing officer given by you to your patient will be beneficial and helpful in the reduction of the symptoms of GERD? तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शन आप अपने क्लाइंट को देंगे कि GERD के सिम्टम्स जो हैं वो कंट्रोल में रहें जब तक कि फिजिशियन आप उस पेशेंट को देखने के लिए नहीं आ जाता? फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है मेरे डियर स्टूडेंट्स, ईट 3 वेल बैलेंस मील इन अ डे, नहीं। ईट फूड दैट आर इजी टू स्वैलो, नहीं। अवॉइड लाइंग डाउन आफ्टर ईटिंग और ड्रिंक clear liquid at the room temperature, that is not required. My dear student, we know that ki client have the backflow of the gastric content. This patient have the complaint of the backflow of gastric content into the esophagus. Understand? So what will happen? Which instruction is very important? So dear student, we don't instruct this patient to lying flat. यदि अगर आप इस क्लाइंट को फ्लेट सुला देते हैं मेरे बच्चों, इसे फ्लेट लेटाते हैं, तो उससे क्या होगा, गैस्ट्रिक कंटेंट्स का जो बैक फ्लो है और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो व्हाट विल हैपन इफ यू लाई द फ्लेट टू योर पेशेंट, the gastric content, backflow of gastric content will be increased, but your understanding is better to control the gastric esophageal reflux disease symptoms. What you will do, we will advise this patient to sit. I will instruct my patient to remain in the sitting position. Dear student, आप जब तक physician नहीं आता है इस पेशेंट को आपको सिटिंग पोजीशन में रखना है, और सिटिंग पोजीशन में रखने से क्या होगा, यानी पेशेंट को ग्रेविटी की वजह से जितना भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो सारा की सारा ही स्टोमक में ही रहेगा। यू नीड टू इंस्ट्रक्ट योर पेशेंट इन द सिटिंग पोजीशन अंटिल द फिजिशियन अराइव्स टू चेकअप द पेशेंट। जब तक कि आपका फिजिशियन पेशेंट के चेकअप के लिए नहीं आ जाता है तब तक आपको GERD के पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में रखना होता है, ताकि सिटिंग पोजीशन में रखने से क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से स्टोमक के अंदर ही गैस्ट्रिक कंटेंट जो है मेरे बच्चों वो बना रहेगा और बैकफ्लो नहीं करेगा। यदि आप इसको फ्लैट लाइंग पोजीशन में रखेंगे, फ्लैट लाइंग पोजीशन में रखेंगे तो गैस्ट्रिक कंटेंट्स के GERD रिफ्लेक्सेस का फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज्ड, एंड सो वी नीड टू अवॉइड द लाइंग डाउन आफ्टर द ईटिंग टू द पेशेंट दे हैव द GERD। अंडरस्टैंड गाइस, क्रिस्टल क्लियर हो गया है मेरे बच्चों? अंडरस्टैंड ना? यहां तक जो समझाया है सबको परफेक्टली बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़े मेरे बच्चों। तो देखिएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को लॉक कर लेना कि जब भी कोई GERD का, एक बार फिर से सुन लीजिएगा ध्यान से ताकि आपको ये लॉन्ग लास्टिंग याद रह सके, जब भी GERD के पेशेंट को हम अटेंड कर रहे हैं तो उसको सिटिंग पोजीशन में रखने से GERD का जो हार्ट बर्न सिम्टम है वो डिक्रीज्ड होगा, कंट्रोल में रहेगा। लेकिन यदि हम इसे लाइंग फ्लैट सुला देते हैं तो GERD के सिम्टम्स जो हैं मेरे बच्चों वो बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंटेंट्स का बैकफ्लो बढ़ जाएगा। सिटिंग में रखने से ग्रेविटी की वजह से कंटेंट्स जो हैं वो स्टोमक में ही रहेंगे, ऊपर नहीं आएंगे। क्रिस्टल क्लियर है गाइस? पिंसेस और रोहाना, शाबाश मेरे बच्चों। रोहाना वोगली एंड रंजना वोगली, आई वॉज इंस्ट्रक्ट यू अर्लियर टू चेंज योर सरनेम and I was instructed you to earlier in the my previous last third lecture to change your surname. Guys, you are avoiding my instruction ना? आप मेरी बात को अनदेखा कर रहे हो ना? जो मैंने कहा है मतलब सुनकर के भी अनसुना किया ना आप लोगों ने, अवॉइड किया ना, मतलब रेस्पेक्ट नहीं करते हो ना अपने गुरु का रेस्पेक्ट नहीं करते हो ना? नो प्रॉब्लम यार, चलो मत करो, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, नो प्रॉब्लम। देखिए मेरे बच्चों, विच मॉडिफिकेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मॉडिफिकेशन इन द क्लाइंट्स पोजीशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू रिकमेंड एट द टाइम व्हेन GERD। डियर स्टूडेंट, जब किसी को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है तो क्लाइंट पोजीशन में कौन सा मॉडिफिकेशन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा? Put your right answer, guys. Which is the most appropriate instruction for your patient? They have the GERD. GERD जिसको है उसको इंस्ट्रक्शन करिएगा आप। पहला ऑप्शन, have the client remain supine on a mattress that contain a bed board। नहीं रखेंगे मेरे बच्चों, क्योंकि सुपाइन रखने से तो रिफ्लेक्सेस और बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। Advise the client to sleep on the water bed temporarily. Dear student, water bed does not have any advantage here. In case of GERD, the use of water bed does not have any special benefit for the patient. So does not require to use of the water bed. So this option is the wrong option. Tell the client to elevate the legs on the pillow when retiring at the night. My dear student, when your patient go to the sleep, this option is saying that ki you instruct your patient to elevate the foot end of the patient. That is very wrong practice, guys. If you instruct your patient to elevate the foot end, then it will elevate the stomach also. And if the stomach is elevated, then the backflow of gastric content will be increased and GERD reflexes also will be increased. So this should be avoided. We never instruct our patient to elevate the legs. We never instruct our patient to elevate the legs. So the third option is also the wrong option. Guys, have the client rest the head of the bed on the 4-inch blocks. That is very most important or right practice. कि अगर किसी क्लाइंट को GERD है तो वी इंस्ट्रक्ट आवर पेशेंट टू एलिवेट द हेड साइड ऑफ द बेड. हेड साइड को थोड़ा एलिवेट करके रखें ताकि क्लाइंट्स का स्टोमक ऊपर रहे और इसोफेगस ऊपर रहे और स्टोमक नीचे रहे और गैस्ट्रिक जो भी बैकफ्लो हो रहा है दैट कैन बी कंट्रोल्ड. अंडरस्टैंड बेटा, क्रिस्टल क्लियर है? तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मेरे बच्चों, डी ऑप्शन. एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना डिस्टिल वाटर की तरह. अपने आप किस दिन आप जीरो से हीरो बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे बच्चों. मेरी पढ़ाई इतनी सिंपल है और याद रखना इतनी अंडरस्टैंडेबल है मेरे बच्चों कि अगर मेरे सामने आप बिल्कुल जीरो स्टूडेंट को भी लाके बिठा देंगे तो एक दिन वो भी सेलेक्ट हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे. बस शर्त मेरी इतनी सी होती है कि क्लास को ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ सुनते जाओ, एक भी शब्द मिस नहीं होना चाहिए. नोट्स बनाते जाओ और उन नोट्सेस को वापस से जब भी आपको समय मिले बच्चों 5-5 मिनट के लिए उसे वापस देख लिया करें. हर दिन के लेक्चर का नोट्स प्रिपेयर करें, डेट डाल दीजिएगा और YouTube क्लास के नाम से आप वूगली YouTube सुपर लेक्चर सीरीज का रजिस्टर बना लीजिएगा. क्रिस्टल क्लियर है मेरे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Dear student, which nursing assessment is essential for evaluating the client's response to the TPN? Dear student, question is very interesting. You want to assess your patient. You want to assess your patient for the response after providing the total parenteral nutrition. We are providing the total parenteral nutrition and we want to assess our patient for the response. कि does this patient have the benefit or not? इस क्लाइंट को बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? How we can check the response of this patient? First option, test the urine specific gravity, monitor the capillary blood glucose level, measure the arterial pulse pressure, obtain an apical radial pulse. My dear student, that is very most important when you are administering the TPN for the patient. जब कभी भी आप टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन किसी क्लाइंट को दे रहे हैं तो लर्न और लिसन केयरफुली. इधर ध्यान से सुनिएगा. टीपीएन सॉल्यूशन इज हाई इन कार्बोहाइड्रेट. मेरे बच्चों टीपीएन सॉल्यूशंस आर ऑलवेज हाई इन द कार्बोहाइड्रेट एंड सो अ नर्सिंग ऑफिसर नीड टू regularly monitor the what? Blood glucose level in the capillaries. Dear student, you are necessarily monitor your patient for the capillary blood glucose level. Why? Because the total parenteral nutrition solutions are high in the carbohydrate. They have the more probability for the hyperglycemia. Dear student, they have the more chances for the hyperglycemia. And if required, we need to administer the insulin. यदि जरूरत हुई मेरे बच्चों तो इसे इंसुलिन भी एडमिनिस्टर करना पड़ सकता है. तो dear student, keep in your mind. Every time keep in your mind when you are administering a TPN solution to your patient, because the TPN solutions are high in the carbohydrate and they have the more prominent probability for developing the hyperglycemia in your patient. And so as a nursing officer, carefully you need to monitor regularly for the capillary blood, for the glucose level. If the glucose level you found is very high, immediately you need to administer the insulin infusion. And this is very excellent practice in our profession. I hope you understand guys. सबको बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो मेरे बब्बर शेरो, क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक जो पढ़ाया है? तो देखिए मेरे बच्चों, यू नीड टू मॉनिटर द कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. अंडरस्टैंड? चलिएगा, आई एम मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Dear student, which finding documented in a client's chart is the best evidence that the client is responding favorably to the administration of the TPN? You are administering the total parenteral nutrition to your patient, and this question is asking you that how you will confirm this ki patient is responding to the TPN. Patient have the benefit due to the TPN. गाइज आपको बताना है कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन से हमारे क्लाइंट को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. हाउ वी कैन कंफर्म दिस? व्हाट विल वी नीड टू डू? द क्लाइंट्स इलेक्ट्रोलाइट आर इन द बैलेंस. आई विल चेक द इलेक्ट्रोलाइट. द क्लाइंट्स इज गेनिंग द वेट. कैन आई विल कंफर्म दैट कि दिस पेशेंट इज गेनिंग द वेट. The client's appetite is returning. The client's appetite if returned, I will confirm that ki TPN solution is giving the benefit to our patient. The client is voiding clear yellow urine. That does not match to with this. Guys, client chart is best evidence that the client is responding favorably to the administration of the TPN. How I will confirm? कैसे confirm करूँगा? क्या मैं पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में है तो समझूं कि टीपीएन से बढ़िया बेनिफिट हो रहा है? नो गाइस, टीपीएन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर नॉट हैव द एनी मोर रिलेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन डज नॉट हैव एनी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस, एंड दैट इज नॉट अ राइट पैरामीटर टू कंफर्म द बेनिफिट ऑफ द टीपीएन सॉल्यूशन. दैट इज नॉट द राइट प्रैक्टिस. तो गाइस, दिस इज नॉट द मैचिंग आंसर. The client's appetite is returning. This is not the indicator that is indicating the benefit of the favorably responding for the TPN solution. So that is not the right option. The client is voiding clear and yellow urine. Dear student, urine output does not useful to measure the benefit या response for the TPN. TPN की प्रति कितना अच्छा benefit आ रहा है, कितना अच्छा response आ रहा है, यूरिन आउटपुट का इससे कोई संबंध नहीं होता है. डज नॉट हैव द एनी रिलेशन. इफ आवर पेशेंट इज रेस्पॉन्डिंग टू द टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, दिस इज वेरी बेस्ट इंडिकेटर इज दैट वी नीड टू कंफर्म द पेशेंट वेट डेली. इफ योर पेशेंट्स वेट इज डे बाय डे इंक्रीजिंग, डियर स्टूडेंट, यू कैन अंडरस्टैंड दैट द टीपीएन सॉल्यूशन यू आर प्रोवाइडिंग टू योर पेशेंट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर दिस क्लाइंट. Because of the TPN solution, your patient start to gaining the weight. What will happen? Your patient is start to gaining the weight. Understand मेरे बच्चों? तो आपका patient जो है अगर weight gain करने लगे तो this is the best indicator for the benefit of the TPN solution administration. So the B option is the right answer, guys. Understand? Crystal clear है? कर लेंगे इस question को. चलिए, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इमीडिएटली आफ्टर द गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब इंसर्टेड, व्हिच फाइंडिंग शुड द नर्स कंसीडर नॉर्मल व्हेन असेसिंग द गैस्ट्रेक्टोमी ड्रेनेज? माय डियर स्टूडेंट, आई एम आस्किंग यू दैट कि आफ्टर, इमीडिएटली जस्ट आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ड्रेनेज फ्रॉम दिस ट्यूब? गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब इंसर्ट करने के जस्ट बाद ही इससे जो ड्रेनेज आता है वो कौन सा होता है? एक्सपेक्टेड ड्रेनेज किस तरह का होता है? मिल्की ड्रेनेज, सीरो सैंग्विनस ड्रेनेज, ग्रीन टिंज ड्रेनेज या ब्राइट ब्लडी ड्रेनेज? और दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेटा, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है. सो यू नीड टू कीप वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस क्वेश्चन. दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस. is a very excellent question, is very important question. So some of the students are giving the wrong answer and some of are putting the correct one option. जिन्होंने आंसर किया है मेरे बच्चों डी ऑप्शन, दे आर गिविंग द वेरी रॉन्ग आंसर. समझिएगा, गैस्ट्रेक्टॉमी ट्यूब जब कभी भी हम किसी क्लाइंट को डालते हैं तो गैस्ट्रेक्टॉमी ट्यूब के जो ड्रेनेज होते हैं गाइस, वो कैसे होने चाहिए? पिंक होने चाहिए. कैसे होने चाहिए? पिंक होने चाहिए. सर्जरी के बाद ही जो गैस्ट्रोटॉमी हुआ है उसके बाद जो माइनर सा ब्लीड बचेगा, इस माइनर से ब्लीड की वजह से मेरे बच्चों जो ड्रेनेज आएंगे गैस्ट्रोटॉमी ट्यूब के वो कैसे होंगे? पिंक ड्रेनेज होने चाहिए मेरे बच्चों. यदि ब्राइट ब्लडी ड्रेनेज आते हैं तो ब्राइट ब्लडी ड्रेनेज इंडिकेट द ट्रॉमा इन ब्लड वेसल, इंडिकेट ट्रॉमा इन द ब्लड वेसल्स, ट्रॉमा इन ब्लड वेसल्स. मेरे बच्चों यदि अगर हम कहें कि ब्राइट ब्लडी ड्रेनेज आ रहा है तो दे आर इंडिकेटिंग द ट्रॉमा और इंजरी इन द ब्लड वेसल्स. और दिस इज नॉट द नॉर्मल फाइंडिंग, ये एक नॉर्मल फाइंडिंग नहीं होता है, दिस इज एबनॉर्मल. सो गाइज डी ऑप्शन नेवर बी द राइट आंसर आफ्टर द गैस्ट्रेक्टॉमी. आई एम आस्किंग यू इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल एक्सपेक्टेड ड्रेनेज immediately after inserting the gastrectomy tube? So your answer is that if you put the answer in your exam bright bloody drainage, it means you are just saying that ki any blood vessel is injured there. आप ऐसा कह रहे हैं कि वहां पर कोई blood vessel injured हो गया. Never. That is the wrong answer. Milky drainage, that is not the right finding. Milky drainage यानी कि मेरे बच्चों पस या पुरुलेंट ड्रेनेज, और दिस टाइप ऑफ द ड्रेनेज इज इंडिकेटिंग द इंफेक्शन. और इंफेक्शन या मिल्की ड्रेनेज दैट इज आल्सो द एबनॉर्मल फाइंडिंग. ये भी एक एबनॉर्मल फाइंडिंग होता है मेरे बच्चों, ये भी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग नहीं होता है. सीरोसैंगमिनस या ग्रीन टिंज ड्रेनेज, मेरे बच्चों यहाँ पर जो ड्रेनेज होता है वो कैसा होता है? पिंक ड्रेनेज होता है. सर्जरी के जस्ट बाद का जो ड्रेनेज होगा दैट विल बी द पिंक ड्रेनेज. और पिंक ड्रेनेज को हम कहते हैं मेरे बच्चों सीरोसैंगविनस ड्रेनेज. क्या बोला जाता है? सीरोसैंगविनस ड्रेनेज इनको कहा जाता है. क्लियर है मेरे बच्चों? तो जस्ट गाइस द बी ऑप्शन इज राइट आंसर इन दिस योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्रिस्टल क्लियर है? इस क्वेश्चन को यहां तक लॉक कर दिया जाए मेरे बच्चों, जितना आज के लेक्चर में मैं यहां तक पढ़ा चुका हूं. जो लेट कमर्स हैं, जिन्होंने क्लास को पूरा नहीं देखा है, वो लेक्चर फिनिश होने के बाद इन सुपर क्लासेस को एक बार अपनी जिंदगी में पढ़ लेना, क्योंकि लाखों रुपए देने के बावजूद भी आपको ऐसी टीचिंग नहीं मिलेगी मेरे बच्चों जो यहां से मैं आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूं, निस्वार्थ, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी चार्ज के. अंडरस्टैंड मेरे बच्चों? केवल जस्ट इसलिए कि यू आर द यूनिट ऑफ माय प्रोफेशन. ओनली आई एम हैव द ग्रेट इमोशंस टू योर कैरियर बिकॉज आई एम अ नर्सिंग ऑफिसर, आई एम अ नर्सिंग ट्यूटर एंड आई हैव द ग्रेट रिलेशन टू यू दैट because you are also a part of my profession and Voogly, this is also a part of my profession. And guys, so I am teaching on this platform and trying to develop you, trying to teach you excellent, extraordinary concepts that will very helpful when you are appear, you will appear in the nursing competitive exam. Guys, so you need to write the notes in your notebook daily, regularly. And on the Sunday, I will take a test on the complete lecture number 1 to 19. So please be a peer and evaluate yourself in the upcoming nursing officer test on the gastrology on Sunday 10 AM. Guys, I am moving for the next question. Which technique is the best way to determine if the gastrectomy tube has the migrate after being inserted? आपसे कहा जा रहा है गैस्ट्रेक्टॉमी ट्यूब यदि इंसर्ट करने के बाद माइग्रेट हो जाता है मेरे बच्चों, तो इसको इवेल्युएट करने का सबसे बेटर वे क्या होगा? What you will do? Put the right answer, beta. नो। सुनिएगा आप, डियर स्टूडेंट, टेस्टिंग द पीएच ऑफ एस्पिरेटेड सीक्रेशंस दैट इज नॉट द राइट प्रैक्टिस। मॉनिटर द रिजल्ट ऑफ स्टोमक एक्सरे। माय डियर स्टूडेंट, we don't need to put the excessive radiations on the patient, unnecessary radiations on the patient, or this is the expensive method, or this is time consuming method. So avoid taking the x-ray in this condition. Measuring the length of the external tube, guys, this is the right practice, or very cheapest or very lesser expensive. So we need to measure the length of the external tube in case of the if your tube is migrated from the stomach. यदि आपका ट्यूब अगर स्टोमक से माइग्रेट हो गया है तो केवल इतना सा काम करना है आपको कि जो ट्यूब बाहर है उसकी लेंथ को आप मेजर कर लीजिएगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कि ट्यूब जो है वो स्टोमक में ही है कि नहीं है। और गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब्स इतने छोटे होते हैं कि वो इंटेस्टाइन में तो कभी नहीं पहुंचते हैं, तो ये स्टोमक में ही रहने चाहिए मेरे बच्चों। यदि स्टोमक से माइग्रेट होकर ऊपर आ गया है तो लेंथ बड़ा होगा। तो डियर स्टूडेंट, सी ऑप्शन इज द राइट प्रैक्टिस इन दिस केस। अंडरस्टैंड? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइल द ट्यूब फीडिंग फॉर्मूला इज इन्फ्यूजिंग, द क्लाइंट टेल द नर्स अबाउट फीलिंग द फुल एंड नॉजिएटेड, विच नर्सिंग एक्शन आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट एट दिस टाइम। गाइज, आपके पेशेंट को आप ट्यूब फीडिंग कर रहे हैं, फॉर्मूला फीडिंग आप दे रहे हैं, और आपका पेशेंट आपसे बोल रहा है कि आई एम फीलिंग द फुल एंड नॉजिया स्टार्ट टू, आई एम फीलिंग द नॉजिया। देन इन दिस केस, ऐसी सिचुएशन में व्हाट विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शंस बाय अ नर्सिंग ऑफिसर। इनमें से फाइंड आउट करिएगा कि आप क्या करने वाले हो मेरे बच्चों, कौन से एक्शन होंगे जो आप ऐसी सिचुएशन में करेंगे। मतलब सीधी सी कंडीशन है कि आप किसी पेशेंट को फॉर्मूला फीडिंग दे रहे हैं, ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं, आपका पेशेंट आपसे कह रहा है कि आई एम फीलिंग द फुल एंड आई एम फीलिंग द नॉजिएटेड। तो इन दिस केस व्हाट नर्सिंग एक्शंस यू विल टेक, दे आर कंसीडर एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्या कह रहा हूं, मोस्ट अप्रोप्रिएट ही बताना है ओनली। पहला, मेजर द स्टोमक रेजिडुअल। स्टोमक का रेजिडुअल मेजर करेंगे क्या? नहीं भैया, आपका पेशेंट आपसे कह रहा है कि मुझे अब नहीं भर सकता पेट के अंदर, आई एम फीलिंग द फुल एंड नॉजिएटेड। तो इन दिस केस यू डोंट नीड टू मेजर द रेजिडुअल। गाइस, एडमिनिस्टर एन एंटीमेटिक। नहीं भैया, एंटीमेटिक दे दे के क्या मारना चाहते हो इसको। स्टॉप द इन्फ्यूजन टेम्परेली। गाइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ऐसी कंडीशन में आपका पेशेंट कहता है कि आई एम फीलिंग फुल एंड स्टार्ट टू नॉजिएटेड, इन दिस केस यू नीड टू स्टॉप द फीडिंग टेम्परेली। कुछ समय के लिए आप फीडिंग को स्टॉप कर दीजिएगा और जितना भी फीडिंग आपने दिया है उसको एब्जॉर्ब होने के लिए समय दीजिएगा। क्लियर हो गया बेटा? एड द वाटर टू डाइल्यूट द फॉर्मूला, नो रिक्वायर्ड। टर्न द क्लाइंट ऑन टू द राइट साइड। मेरे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात क्या है मेरे बच्चों? यदि दो बातें यहां पर, यदि पेशेंट को आप लेफ्ट साइड रखते हैं या राइट साइड रखते हैं तो ध्यान दीजिएगा होगा क्या मेरे बच्चों। यदि अगर आप आपके क्लाइंट को लेफ्ट साइड रखते हैं तो लेफ्ट साइड पोजीशन क्या करता है मेरे बच्चों? लेफ्ट साइड जो पोजीशन होता है, दैट एनहांस या फिर इंक्रीज द स्टोमक एम्प्टी टाइम। मेरे बच्चों, लेफ्ट साइड पोजीशन जो होता है स्टोमक एम्प्टी को एनहांस करता है, नहीं होने देता है। बट इट विल, राइट साइड पोजीशन डिक्रीज द स्टोमक एम्प्टी टाइम। मेरे बच्चों, स्टोमक एम्प्टी को बढ़ाएगा, यानी कि स्टोमक एम्प्टी टाइम को घटाएगा जब आप उसे राइट साइड पोजीशन देंगे। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है मेरे बच्चों कि इस क्लाइंट के लिए राइट साइड पोजीशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या इसे लेफ्ट में रखना चाहिए? जवाब आपको पुट करना है। कौन सा पोजीशन इसके लिए बेनिफिशियल होगा? दोनों में से सिचुएशन आपके सामने लिखा हुआ है, राइट या लेफ्ट। आपका पेशेंट आपसे बोल रहा है कि माय स्टोमक इज फुल एंड आई एम फीलिंग नॉजिएटेड, and immediately you will stop the infusion. And in this case, what you will do, you will provide the left side position to your patient, or you will provide the right side position to your patient. What you will do in case if your client having the full of the stomach and the client is start to feeling the nauseated, what you will do? So guys, in this case, you need to do your patient to provide the right side position. क्या जरूरत होगी बेटा? Right side position में रखिएगा ताकि स्टोमक जो है वो खाली जल्दी से हो सके. गैस्ट्रिक कंटेंट्स स्टार्ट टू मूविंग इनटू द ड्यूडेनम व्हेन यू विल प्लेस योर पेशेंट इन द राइट साइड. जब आप अपने पेशेंट को राइट साइड में रखेंगे मेरे बच्चों, तो गैस्ट्रिक कंटेंट स्टार्ट टू मूव इनटू द ड्यूडेनम, और इसलिए स्टोमक खाली हो जाएगा, और खाली हो जाएगा तो फीलिंग ऑफ फुल और नॉजिएटेड सेंसेशंस जो हैं ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे. तो दैट इज वेरी राइट प्रैक्टिस मेरे बच्चों. स्टॉप द इन्फ्यूजन और प्रोवाइड द राइट साइड पोजिशन. रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द फॉर्मूला दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. So in this question, the most appropriate nursing actions are the option number C and option number E. ईमानदारी से बताइएगा कि किस किस गजोधर ने बिल्कुल सही आंसर कर दिया था और यही दो ऑप्शन चूज किए थे. बिल्कुल सही आंसर किस किस ने कर लिया था. और सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. आफ्टर द ट्यूब फीडिंग फॉर्मूला has infused, which action should the nurse take the next? मेरे बच्चों, ट्यूब फीडिंग करने के बाद में आपको कौन सा नेक्स्ट एक्शन लेना चाहिए? आपसे पूछ रहा हूं बेटा कि आपने आपके पेशेंट को ट्यूब फीडिंग कर दिया है, उसके बाद आपको कौन सा एक्शन लेना है? प्लेस द क्लाइंट ऑन द लेफ्ट साइड. ट्यूब फीडिंग के बाद आपको आपके पेशेंट को लेफ्ट साइड में रखना है. लोअर द हेड ऑफ द क्लाइंट बेड, क्लिंप द ओपनिंग ऑफ द गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब, स्टिल द सेवरल आउंस ऑफ द प्लेन टैप वाटर डाउन टू द ट्यूब. क्या करना चाहिए मेरे बच्चों? हमेशा याद रखना, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं आप सबको, कि जब कभी भी आप किसी भी क्लाइंट को ट्यूब फीडिंग कर रहे हो, तो ट्यूब फीडिंग करने के बाद ही जो ट्यूब फीडिंग का सॉल्यूशन होता है मेरे बच्चों, टीपीएन सॉल्यूशन, वो ट्यूब के अंदर जमा हो जाता है. क्या हो जाता है? ट्यूब के अंदर जमा हो जाता है मेरे बच्चों. और इस वजह से इस क्लाइंट को जब कभी भी ट्यूब फीडिंग करे, उसके बाद आपको क्या करना है? Instill the several ounces of the plain tap water down the tube. आपको ट्यूब के अंदर पानी डालना है, जिससे कि ट्यूब के अंदर कुछ भी सस्पेंडेड कंटेंट्स जो हैं वो ट्यूब को ब्लॉक करके ना रखे. और यू नीड टू पुट द इंस्टिल द वाटर इन दिस ट्यूब आफ्टर द फीडिंग. अंडरस्टैंड? फीडिंग के बाद ही मेरे बच्चों आपको इंस्टिल करना है वाटर, ताकि कोई क्लॉट या कोई ऑब्स्ट्रक्शन जो टीपीएन सॉल्यूशन के कारण बन जाते हैं वो इस ट्यूब के अंदर रुकना नहीं चाहिए. क्रिस्टल क्लियर है गाइस? तो दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप. क्लाइंट इज बीइंग डिस्चार्ज्ड, आप पेशेंट को डिस्चार्ज करने वाले हैं, और विच नर्सिंग इंस्ट्रक्शन इज द बेस्ट टू प्रोवाइड द फैमिली इफ द गैस्ट्रोटोमी ट्यूब बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड. मेरे बच्चों, आप इस पेशेंट को डिस्चार्ज करने वाले हैं, और डिस्चार्ज करते समय माय डियर स्टूडेंट, पेशेंट को आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि यदि अगर इस क्लाइंट का ट्यूब इफ द ऑब्स्ट्रक्टेड, देन व्हाट यू विल डू, हाउ यू विल क्लियर दिस ट्यूब. कैसे क्लियर करेंगे? इरिगेट द गैस्ट्रोटोमी ट्यूब विद द कोला, इंस्टिल द स्टेराइल वाटर विद अ सिरिंज, मिल्क द गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब, या अप्लाई द सक्शन टू द गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब. व्हाट यू विल डू सरिता एंड पिंसी, शेजल, रितिका, व्हाट यू विल इंस्ट्रक्ट टू योर पेशेंट? और बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आने वाला है इसका. दैट हैव वेरी इंटरेस्टिंग आंसर गाइस. और सुन लीजिएगा, अगर आप आपके पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं व्हेन द पेशेंट इज गोइंग टू डिस्चार्ज, डियर स्टूडेंट, आप इस पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करें इंस्टिल द स्टेराइल वाटर। मेरे बच्चों क्या इसका कोई मतलब है? यहाँ पर स्टेराइल वाटर से गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब को स्टेराइल करने की कोई जरूरत है क्या? मेरे बच्चों गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट इज नॉट स्टेराइल। सीधी सी बात है, गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट कोई स्टेरिलाइज्ड नहीं होता है मेरे बच्चों। अरे स्टेरिलाइज्ड होता है क्या गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट? तो गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट नेवर बी स्टेरिलाइज्ड एंड सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टेरिलाइज विद द गैस्ट्रिक वाटर विद द स्टेराइल वाटर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर स्टेराइल वाटर यूज करने का कोई मतलब नहीं है। दैट इज द सेंसलेस प्रैक्टिस। मिल्क द गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब, मिल्क यूज करना, दैट इज नॉट द राइट प्रैक्टिस। अप्लाई द सक्शन टू द गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब, सक्शन करने से कोई मतलब नहीं होगा मेरे बच्चों। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, इरिगेट द गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब विद द कोला। और कोला एक ऐसा बेवरेज है इजीली अवेलेबल बेवरेज। और मेरे बच्चों कंडीशन क्या कह रहा था? During discharge instruction, which nursing instruction best to provide the family gastrectomy tube become the obstructed? Tube obstructed हो रहा है मेरे बच्चों। और कोला जो है ये है मेरे बच्चों एसिडिक। कोला एसिडिक होता है और एसिडिक होने की वजह से it will easily dissolve the obstructed contents of the TPN solution. TPN solution के कंटेंट्स को, क्लोर्स को एसिड होने की वजह से दैट कोला विल बी इजीली डिसॉल्व कर देगा। और कोला एक ऐसा बेवरेज होता है माय डियर स्टूडेंट दैट इज इजीली अवेलेबल इन द हाउस होल्ड प्रैक्टिस। सो वी इंस्ट्रक्ट टू यूज द कोला इन केस गैस्ट्रेक्टोमी। तो जब कभी भी भैया गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो घर वालों को यह सिखाना है कि इसे कोका कोला पिलाओ। क्या पिलाना है? कोका कोला से इसको वॉश करवाना है। कोको कोला के अंदर आप जानते हो एसिड होता है और वो जो सॉल्यूशन के क्लोट्स हैं उनको आसानी से डिसॉल्व कर देगा। ट्यूब बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। स्टेराइल वाटर की जरूरत नहीं है, मिल्क से नहीं होगा, सक्शन से भी नहीं होगा मेरे बच्चों। एलिमिनेटिंग प्रोसेस अगर मेथड अगर आप इस क्वेश्चन में यूज करते तो शायद आपका आंसर सही आ जाता। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों आप सबका। आप सबको नमन करता हूं, आप सबके फैमिली को नमन करता हूं और ख्वाहिश रखता हूं आप सबकी जॉब लगने की, कि आप अपने परिवार को वो खुशियां दे सके जिनकी मैं आशा करता हूं और आप भी उम्मीद करते हो। मेरे बच्चों आपकी और मेरी मेहनत यदि अगर रंग लेकर के आती है तो जरूर हम हमारे माता पिता को वो खुशियां दे पाएंगे जिनकी कल्पना हम कर रहे हैं। ये वुगली आपको बेस्ट विशेष करता है मेरे बच्चों। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि, गुड नाइट।